जिन्होंने ये गीत लिखा है सम्मानी बड़े भाई लालचंद दीक्षित जी, जब कुछ लिखते हैं वो तो जल्दी कटता नहीं है, लेकिन मैं भी उनका छोटा भाई हूँ तो मैं भी खोज लाऊंगा, ये मान लीजिए आप। बिल्कुल आइए चलाऊ। मैं सोच रहा हूँ एक रचना आप लोगों के समक्ष रखी जाए। हाँ। हमारी माताएं बहनें भी उपस्थित हैं और भैया दद्दा लोग बैठे हैं। जो भैया लोग उधर चाय पी रहे हैं, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा थोड़ी देर के लिए आप लोग दरबार में आ जाएं। जो लोग उधर कुर्सियों पर बैठे हैं आग के पास, आप लोग भी थोड़ी देर के लिए कुर्सियां छोड़ दीजिए। बहुत देर तक किसी के पास नहीं रहती, 5 साल अधिकतम समय है इसका। हाँ। बाकी अगर आप लोगों की इच्छा तो पकड़े रहिए, सुबह टेंट वाला जरूर ले जाएगा। आइए चलाओ एक बिल्कुल साधारण सा प्रयोग कर रहा हूं नीलम जी, और विश्वास रखिए संजय भैया इस गीत को जरूर पहुंचाइए लोगों तक। हाँ बिल्कुल साधारण गीत है लेकिन आपको लगेगा कुछ गाया गया। गीत कह रहा है देखो देखो धुने कैसी गाय कि एक तो पल मो तेरी याद सताए भैया सारी सारी रातें तेरी याद सताए, सारी सारी रातें तेरी याद सताए, सारी सारी रातें तेरी याद सताए। क्योंकि कौन कहता है व्यक्ति स्वामित्व से ऊंचा होता है, कौन कहता है व्यक्ति अस्तित्व से ऊंचा होता है। अपना जमीर बचा कर रखिए हलचल, अपना जमीर बचा कर रखिए हलचल, क्योंकि व्यक्ति व्यक्तित्व से ऊंचा होता है। सुनिएगा संबोल चल कह रहा है। पहला प्रयोग है नीलम जी और छोटे भाई नटखट जी, सुनिएगा प्रयास। कि जोड़ी ऐसी जोड़े जिसमें जोड़ी ऐसी जोड़े जिसमें जोड़ना दिखाए रे, जोड़ना दिखाए अरे शिव और शिवासी जोड़ी जोड़ न पाए, शिव शिवानी जोड़ी जोड़ न पाए, क्योंकि शिव ही संपूर्ण है। शिव में जो मात्रा है वो माता है, मात्रा हट जाती है तो शिव सब हो जाता है। शिव आधे आधी शिवा अर्ध नारीश्वर, ऐसी जोड़ी जल्दी मिली नहीं इसलिए कहना पड़ा कि शिव और शिवासी जोड़ी जोड़ न पाए, शिव और शिवानी जोड़ी जोड़ न पाए, शिव और शिवानी जोड़ी जोड़ न पाए। दूसरा टुकड़ा देखिए,
गई। हाँ, संपूर्ण रामा दल हंसने लगा, कहने लगा सती नारी हो, कटे हुए सर को हंसा दो। जय हो। देखिए हुआ क्या आदरणीय जन समुदाय। अरे सकल रामा दल ने चाहा, क्योंकि आप शिक्षक हैं, बहुत पढ़ाई पड़ता है व्यक्ति जीवन में, लेकिन अपने जीवन में चार चीजें कभी नहीं भूलता, जोड़ घटाना भाग और गुणा, ये पूरे जीवन करता ही रहता है। तो देखिए पहला प्रयोग, जोड़ी ऐसी जोड़े जिसमें जोड़ न दिखाए। अब दूसरा प्रयोग देखिए, कि सकल रामा दल ने चाहा मान घटाना और मान सती का फिर भी घटाए घटाना घटाए घटाना घटाए घटाना। सम्मानी मान अपना घटाए रे, अपना घटाए, परमान सती का कोई घटा नहीं पाए, पाले सती का कोई घटा नहीं पाए, पाले सती का कोई घटा नहीं पाए। कटा हुआ सर हंसने लगा। दूसरा ऐसा प्रमाण नहीं है। तीसरा प्रयोग देखिएगा, पहला जोड़, दूसरा घटाना, और तीसरा सुनिएगा। अरे माखन चुराए मोहन, दादा कहां जा रहे हो, भैया कहां जा रहे हो, पक्का चले जाओगे, मानोगे नहीं। अच्छा सुनिएगा, अरे माखन चुराए मोहन, चोरों का विभाग ले, प्रयोग देखिएगा, विभाग ले, कि माखन चुराए मोहन, चोरों का विभाग ले, और कुछ भाग वालों को दे, और कुछ अपना भाग ले, भैया यूं कहिए कि कुछ भाग वालों को दे और खुद अपना भाग ले, तो गगरिया को देख, गगरिया को छीन भागव, भाग मचाए रे, गगरिया को छीन भागम, भाग मचाए रे, भाग मचाए। तो सभी ग्वालिने कह रही है, एक कलुआ का पकड़ो कहीं भाग न जाए, कलुआ का पकड़ो कहीं भाग न जाए, कलुआ का पकड़ो कहीं भाग न जाए। अंतिम पंक्तियां सुनिएगा, जो घटाना भाग, चौथा प्रयोग गुणा। एक मनीषी नेता है जो जेल से समय धमकी दे रहे थे, देवेंद्र भैया जेल से धमकी दे रहे थे, वो कौन है? अरे अपनी गणित लालू की, अरे अपनी
गुणा है, छुपा करके आओ गुण खुद को। दुनिया का कोई व्यक्ति हो बस यही कहता है मैं अच्छा हूं, सामने वाला कुछ गलत है। तो छुपा करके अवगुण खुद को, गुणा कर बताए रे, गुणा कर बताए, पर गुणों अवगुणों का कोई गुणा कर न पाए। गुणों अवगुणों का कोई गुणा कर न पाए, गुणों अवगुणों का कोई गुणा कर न पाए। छुपा करके अवगुण खुद को, छुपा करके अवगुण खुद को, गुणा कर बताए रे, गुणा कर बताए, गुणों अवगुणों का कोई गुणा कर न पाए। गुणों अवगुणों का कोई गुणा कर न पाए, गुणों अवगुणों का कोई गुणा कर न पाए, गुणों अवगुणों का कोई गुणा कर न पाए, गुणों अवगुणों का कोई गुणा कर न पाए। बोलिए सच्चे दरबार की जय। ये लॉकडाउन का असर है, क्योंकि कलाकारों की स्थिति ये हो गई है। 22 को मोदी जी खड़े हुए थे शाम को, बोले भाइयों और बहनों सहयोग दीजिए। उस सहयोग के चक्कर में कलाकार जो बेचारे पिस गए, न कोई तैयारी हो पाई, न कहीं ढोलक हारमोनियम खुल पाई ठीक से। उस समस्या अगर कहीं 19-20 गाने में हो जाए तो आप लोग उससे नजरअंदाज कर दीजिएगा थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हम लोग कोरोना काल में अपना नया जीवन शुरू कर रहे हैं। सत्यता यही है, कीर्तन का इतिहास आधे से ज्यादा भूल चुके हैं भूपेन भैया हम लोग, लेकिन अब पुनरावृत्ति शुरू हो रही है। धीरे धीरे मेहनत कर रहे हैं कि उसी स्थिति में आ जाएं। और ये 101 रुपए का प्रेम प्रसून हमारे हृदयांश भाई भूपेन रावत जी आपकी ओर से आया है, बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। और ये 501 रुपए का बहुमूल्य स्नेह आदरणीय सम्मानी मान्य बड़े भैया श्री देवेंद्र तिवारी जी, बहुत बहुत साधुवाद है, हृदय से आशीर्वाद की कामना है। भगवान भोलेनाथ से आपके लिए मंगल कामनाएं हैं। और वाकई विश्वास रखिए देवेंद्र भैया, इस बात को कभी अकेले में सोचिएगा, बोलने के लिए बहुत लोग बोलते हैं आपको, जब आपको सामने पाते हैं तो कुछ ना कुछ अपने हृदय के उद्गार व्यक्त करते हैं। क्योंकि होता क्या है, मुंह देखी चेतना मन देखा व्यवहार लोग किया करते हैं, लेकिन यथावत स्थिति यह है कि बहुत से लोग आपको नहीं समझ पाते और न कभी समझ पाएंगे, और जिन्होंने नहीं समझ पाया है वो धक्का खा रहे हैं, ये आप मान लीजिए। और शंभु होलचंद ने सदा प्रयास किया है कि आपको समझा जाए, आप भले हमको न समझे लेकिन हम प्रयास करते हैं कि बड़े भाई को ठीक से समझा जाए। और भगवान भोलेनाथ से आपकी लंबी उम्र की कामना करता हूं, ये वरद हस्त सदा हम लोगों पर बनाए रहे। और बहुत ही बढ़िया एक गीत फिर आया है। आया गाया फिल्मी दुनिया वालों ने, आज पता नहीं शंभु भैया क्या सोचकर गाने गा रहे हैं। पहला गीत दिया तो हमको गिनती पढ़ाने लगे, अब गुड़ा भाग लेकर आ गए, लग ही नहीं रहा है कि हम लोग कीर्तन गा रहे हैं। वाह बेटे, क्लास चल रही है, बड़े भैया कुछ सोच विचार करके आए हैं। आइए प्रयास करें बड़े भैया, जो आपने धुन को गाया है ये मैंने पहली बार सुनी है, लेकिन आइए कोशिश कर रही हूँ। चलो बेटे तो पलम तेरी याद सताए,
करके आए हैं। हार जा बेटे। कहना क्या कि एक तो पलम तेरे याद सता जैसे क्लास चल रही है और हमारे चम्मू भैया जी आज हम लोगों के पेपर करा रहे हैं। सभी लोगों से निवेदन है जब आपकी पंक्तियां सुनेगा हमारे सम्मानीय बड़े भैया भैया श्री विक्रम दाऊ साहब बैठे हैं, प्रयास कर रहे हैं अपनी ओर से। क्या बात, होता क्या है क्या बड़े? एक बार भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु एक दूसरे के आराधक हैं। भगवान विष्णु सोच रहे हैं मैं बहुत छोटा हूँ, भगवान शिव बड़े हैं, और उधर भगवान शिव सोच रहे हैं कि मैं बहुत छोटा हूँ, भगवान विष्णु बड़े हैं। जय हो। तो होता क्या, क्या बड़े? अपने आप को छोटा समझ रहे हैं और अगले यानी भगवान विष्णु भगवान शिव को उत्तम समझ रहे हैं, अपने को छोटा समझ रहे हैं। क्या बात, तो कहना पड़ा कि दोनों ही समझे खुद, कि दोनों ही समझे खुद को लघु उत्तम। तो माताएं बहने थोड़ा और बैठे, बैठ जाइए। कि होता लघुतम जग जान पाए तो हर और हरी जैसा, कि हर और हरी जैसा भाव नहीं पाए। देखिए दोनों में भाव एक दूसरे के लिए, कि हरी और बता रहे हैं। आइए एक टुकड़ा और सुने।
सुने। नारद जी समझाते हुए कहते हैं, कह रहे हैं बस एक टुकड़ा और सुन ले। सुने की बात है। नारद जी समझाने लगे, अब देखिए नारी कोई साधारण नहीं है, नारी के सामने देवता भी झुक जाते हैं, लेकिन देखिए किस नारी के सामने झुक जाते हैं। कि जानती हो सती अनुसुईया, माता सीता कहना पड़ा। क्या पड़ा? कि नारियों में सती होती महात्म, महासती का सहे से मुख जग गाए, महासती का सहस मुखी वाले भी गाते हैं जैसे शेष नाग। क्या बात करें? महासती का सहस मुखी जग गाए, तो भक्ति और शक्ति दोनों सती में पाए, भक्ति और शक्ति दोनों सती में पाए, भक्ति और शक्ति दोनों सती में पाए, जय हो। आइए चल।